पिछले वीडियो में बात की थी, कंपैरिजन किया था मैक्स हब और एलजी का। उसके भी जैसे ये आप पॉइंट्स देख रहे हो, 30 पॉइंट्स हो गए थे। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। फीडबैक ये आई है कि आप इतना लंबा वीडियो मत बनाएं, दैट इज़ वाई ये पार्ट वन है मैक्स हब वर्सेस व्यू सोनिक का, जिसमें कंपैरिजन करेंगे। मैं ज़्यादा फोकस करूँगा डिफरेंसेस पर, जो सिमिलर पॉइंट सेम पॉइंट होंगे उनको जल्दी स्किप कर दूंगा। आपके लिए हेल्प मिलेगी आपको कि कौन सा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल आपके लिए बेहतर है। डिसीजन लेने में आपको काफ़ी कठिनाई महसूस होती है जब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये वीडियो कोशिश करेगा कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे। पिछले वीडियो में मैंने ऐसे एक चार्ट बना दिया था जिसमें वो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं और किस टाइम पर हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। तो इस बार अगर आपने देखना है, टाइम अपना बचाना है, फॉर एग्जांपल आप आई केयर टेक्नोलॉजी मैक्स हब और व्यू सोनिक का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, तो इसी ऑर्डर में इस वीडियो में देखोगे 15 नंबर पर है। इट मींस के आप मिड में जाके ये कंपैरिजन देख सकते हो। कोई पॉइंट वारंटी है, ट्रेनिंग है, लास्ट में है, इसी ऑर्डर में है। आप अपना टाइम प्लीज बचाइए, मैं खुद नहीं चाहता कि किसी का टाइम वेस्ट हो। अच्छा, ये जो वीडियो है ये जस्ट नेट से इंफॉर्मेशन डाउनलोड नहीं की, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा सर्वे है, इंटरव्यूज की है मैंने डीलर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, कस्टमर, यूजर, सप्लायर, कुछ लैब्स हैं मेरे सिटी में और जहां भी मैं जा सका, लैब्स उनके जो यूज कर रहे हैं लैब को अपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, डिजिटल लैब और भी ऑपरेटर्स हैं उनके पास, उनसे बात की कौन सा बेहतर है। ये बात सत्य है कि सब ने यही कहा है कि आज टीचिंग के लिए, इंटरेक्शन के लिए सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। फिर मैंने कंपैरिजन के पॉइंट भी पूछे हैं, वो इसमें डाल दिए गए हैं। वेबसाइट है जो कंपनीज की, ब्रांड्स की, वो स्टडी की है, लेकिन कंक्लूजन क्या है कि किसी भी ब्रांड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि ब्रांड अपने पॉजिटिव आगे रखता है, अपने नेगेटिव छुपा लेता है, जैसे हम सभी करते हैं। दूसरा है कि आपकी नीड क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, नीड आपने खुद देख के आप डिसाइड कर सकते हो। 5 तरह के पैनल आ रहे हैं इंडिया में, चाइना का, जो टेक्नोलॉजी चाइना की है, दूसरी इंडिया की, इंडिया की 2 तरह की है, एक तो बाहर से वो मटेरियल मंगवा के यहाँ असेंबल करते हैं, दूसरी ऐसी भी है जो यहाँ इंडिया में बनती है। वो इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर, जिनको वो फंड्स दे रही है, ग्रांट्स दे रही है, कि आपने मेड इन इंडिया ही टेक्नोलॉजी खरीदनी है, दैट इज वाई इंडिया में भी इसकी इंडस्ट्री है। थर्ड है अमेरिका का, कोरिया के, ताइवान का, आज हम अमेरिका का और चाइना का जो है कंपेयर करेंगे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। ब्रांड्स टोटल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, पॉपुलर और नॉन पॉपुलर, इसकी डिवीजन, इसका एक्स्ट्रा वीडियो बाद में निकाल दूंगा। पहले एलजी और हमने मैक्स हब का कंपैरिजन किया था, आज हम करेंगे व्यू सोनिक और मैक्स हब का। इट मींस दोनों पॉपुलर ब्रांड है। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, मॉडल कौन सा है। मॉडल मैक्स हब का है E75। 75 इंडिकेट करता है जनरली साइज को, ठीक। तो FA न्यू सीरीज है इसकी, न्यू सीरीज का कंपैरिजन किसके साथ है, जो IFP 53, ये 3 इंडिकेट कर रहा है थर्ड जनरेशन को। इससे पहले सेकंड जनरेशन का था, मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले ही ये मॉडल इनका आया है। इस मॉडल का कंपैरिजन आप इस वीडियो में देखोगे। साइज की बात है, इंचेस में है, 4 साइज है, 55, 65, 75, 86 दोनों में ही अवेलेबल हैं, और एस्पेक्ट रेशियो 16:9 वो भी सेम है, इसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टैंडर्डाइज है, सभी ब्रांड्स इसी के ही आते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल आपके लिए हो सकती है कि अगर आप देखना चाहते हो कि आपके घर में जहां जहां आप लगाना चाहते हो वो जगह
ठीक है, जहां आप ये कंपैरिजन करना चाहते हो कि मेरे लिए 65 का, 55 का, 75 का, 86 का कौन सा बेटर है, तो ये तीन जो मेन जिनकी डिमांड है वो आपके सामने उनका साइज रखा है। विड्थ इस तरफ जो 55 वाला होगा उसकी विड्थ होगी इस तरफ 30 इंच होगी, ये वाला 30 इंच, और इस तरफ होगा 50 इंच। जो 65 इंच का है मेनली टीचिंग प्रोफेशन के लिए या टीचिंग के लिए, ये दो ज्यादा डिमांड में रह रहे हैं, इसलिए आप इस साइज का ड्रा करके अपनी दीवार पर देख सकते हो कि मेरे लिए वो सूटेबल है, वहां आप एक्सरसाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नजदीक कोई भी शोरूम जहां डिस्प्ले नहीं मिलता जहां आप इसको टेस्ट कर सको, और अभी ये बहुत कम लोगों के पास है, किनके पास यूनिवर्सिटी के साथ बहुत अच्छे अमीर स्कूल्स के पास हैं, तो ट्राई आउट नहीं होता, तो आप दीवार पर ये ड्रा करके जहां कोई बोर्ड उतना रख के आप देख सकते हो कि आपके लिए 65 का सूटेबल है जहां 75 का। 65 की जो इस तरफ विड्थ है 35.3 और इसकी लेंथ है इस तरफ 59 इंचेस, 75 है, ये बोर्ड 75 का ही है, 40 इंच इसकी विड्थ है इस तरफ से इस तरफ, ओके 67.32 इसकी लेंथ है, तो इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो। नेक्स्ट हर जो है साइज जो होता है 75, जैसे ये डायगोनल होता है, ये शायद आपको पता होगा 75, ये राउंड करके 75 बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन, ये आईज के लिए बहुत जरूरी है, दूसरा साइज इतना बड़ा है कि इसकी नॉलेज आपको जरूर चाहिए। अच्छा, दोनों ही, वैसे सारे पैनल ही 4K के आते हैं, के मीन 1000, इसकी रेजोल्यूशन जो ये रहती है आपके सामने लिखी हुई है, स्टैंडर्डाइज है, इसका कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब व्यू सोनिक का कंपैरिजन करते हैं तो जो मेरे भी जो इंस्टॉल करने आए हैं उन्होंने यही कहा है, आप देख सकते हो इस सीन में भी, कि डिस्प्ले अगर बाकी सारे पैनल बेशक पॉपुलर हैं नॉन पॉपुलर हैं उनको व्यू सोनिक के सामने रखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि रियल 4K व्यू सोनिक में है, ये उनका दावा है, ठीक, जैसे इस सीन में आपने देखा। अच्छा, रेजोल्यूशन है क्या? रेजोल्यूशन ये पिक्सल्स हैं, जब ये जैसे फुल HD से 4K, इट मींस के पिक्सल बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ने के साथ उतनी स्पेस में ही वो पिक्सल का साइज कम हो जाता है, पिक्सल का साइज कम होने से पिक्चर की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आंखों पर दबाव बहुत उतना ही कम हो जाता है जितना रेजोल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी ग्लेयर, एंटी ग्लेयर मीन के एक कोटिंग हुई होती है इस पर, जो अगर आप लाइट इसमें डालते हो तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती। आपको इस पैनल में, ये तो इमेज है, इसको बेशक छोड़ दीजिए, मेरे भी इस तरफ लाइट 40 वाट की लगी हुई है और कोई लाइट नहीं है मेरे पास, तो अगर मैं लाइट को इधर भी लाता हूं थोड़ी रिफ्लेक्शन शायद दिखाई देगी, इसलिए साइड में आपको लाइट्स लगानी होगी, सामने सेटिंग नहीं आती। लेकिन इस पर हर जो व्यू सोनिक भी यस कर रहा है, सॉरी मैक्स हब भी और व्यू सोनिक दोनों यस कर रहे हैं कि हमारे एंटी ग्लेयर कोटिंग या एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हुई है इसके, इसलिए इसमें कोई डिबेट वाला इशू नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, वर्जन कौन सा है इस मॉडल का? एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी जो जनरेशन है 8th है, इक्वल है, सेम। हाँ, ये रैम जो टेम्पररी स्टोर है, आपने मल्टी ज़्यादा फाइल्स पर एक वक्त काम करना होता है, मैंने करना होता है, जैसे मैं PPT भी खोलता हूँ, वर्ड फाइल PP अपना जो है PDF खोल लेता हूँ, जो वाइट बोर्ड है इसका वो साथ में यूज करना होता है, कई बार मूवी या पिक्चर साथ में दिखानी होती है, तो
जब इतना आप खोलते हो तो रैम आपको स्ट्रांग चाहिए। यहाँ पर मैक्स हब 4 GB रैम दे रहा है, लेकिन व्यूसोनिक वाले ये दावा करते हैं कि 3 GB सफिशेंट है। सिर्फ मैक्स हब ही ऐसा मिला है जिसमें 4 GB रैम मिलती है, लेकिन जो रोम है, परमानेंट स्टोरेज है, वो 32 GB है। 32 GB है, दोनों इक्वल हैं। पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जैसे मैंने ये देख रहे हो आप दो पेन ड्राइव लगा रखी हैं, मैंने अभी यहाँ लैपटॉप से उतारा है, अपनी PPT निकाली है और यहाँ लगा दी, इस पर स्टोरेज हम ज्यादा करते ही नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, दूसरा पॉइंट OPS का आ जाएगा जो स्टोरेज के लिए है, वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। सो ये ज्यादा मायने नहीं रखती मेरे लिए, ये बहुत मीनिंगफुल था जब ये मैं देख रहा था तो मैक्स हब की तरफ आ रहा था। एक वक्त था कि मैंने मैक्स हब डिसाइड कर लिया था, तब मैंने एक्चुअली व्यू सोनिक पूरा डिसाइड स्टडी नहीं किया था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि टच पॉइंट, इसमें कोई वो नहीं है कंपैरिजन, क्योंकि बोथ व्यू सोनिक एंड मैक्स हब 20 टच एक टाइम पर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहां पर मैंने क्लिक किया, ये हो गया, यहां पर मैंने पेन लिया मैंने एक टच, ये हो गया दो टच, ये हो गया तीन टच, और ये हो गया चार टच, और ये हो गया पांच टच, और ये देखिए आप 10 टच 10, वो 20-20 तक कह रहे हैं। क्यों? एक वक्त अगर आप 2, 3 या 4 स्टूडेंट्स को एक वक्त लिखने के लिए कहते हो, दूसरे बोर्ड पर लिख सकते हो, इसमें भी वो प्रिविलेज है कि आप एक वक्त में 20 पॉइंट्स यूज कर सकते हो, इतने की जरूरत नहीं पड़ती। टच टूल्स, ये जो देख रहे हैं ये व्यू सोनिक के हैं, ये ऐसे पैकेट में हैं। वैसे सारा कुछ, चलो वो सारे कंपैरिजन में बाद में बताऊंगा। ये दो ऐसे पेन मिलते हैं, ठीक है, फिंगर से आप टच यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ड्यूल पेन है, मुझे नहीं पता, वो शायद इस किट में होगा, मुझे मिला नहीं है, लेकिन अगर टोटल देखें तो कंपैरिजन में एक ड्यूल पेन व्यू सोनिक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, बाकी सब कुछ इसका इक्वल है। वैसे सबसे ज्यादा यही पेन यूज होता है, फिंगर से भी ज्यादा, 80-85% यही पेन यूज होता है। यूज करना बेटर है, फिंगर कम यूज कीजिए, इसको ज्यादा यूज कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स लेके जाता है व्यू सोनिक है, स्पीकर जो मैक्स हब में है, दो स्पीकर हैं 12 वाट के, लेकिन व्यू सोनिक दो स्पीकर देता है 10 वाट के, और तीसरा स्पीकर 15 वाट का। यहां पर व्यू सोनिक मैक्स हब से काफी आगे जाता है। अगर आप मूवी या ऑडियो कोई यूज करना चाहते हैं, थिएटर की तरह इसे भी यूज करना चाहते हैं, इसकी आवाज की रिकॉर्डिंग इस कैमरे में, ये मोबाइल में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें करना चाहते हो तो आपके लिए ये बेटर है। यहां पर इसके स्पीकर लगे हुए हैं नीचे, और आवाज अगर चलाकर दिखाऊं तो आपको मेरे ख्याल में पूरे DJ की तरह आवाज हो जाती है इसकी। नेक्स्ट, अच्छा जी, ये जो केबल्स और पॉइंट्स हैं, HDMI दोनों इक्वल हैं। ये रहा आपका HDMI, पहले VGA था, ठीक है, अब HDMI था, 3-3 इक्वल है। हाई स्पीड USB यहां पर आप देख सकते हो, 1, 2, 3 लगे हुए, बाकी इधर पीछे होते हैं। ये भी तीन है। USB 0.3, जिसको सुपर स्पीड USB बोलते हैं, वो व्यू सोनिक 1+ एक्स्ट्रा दे रहा है, बाकी सब कुछ इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट है वेबकैम। ये जो स्पेस आप देख रहे हो, यहाँ वेबकैम व्यू सोनिक का लगता है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो,
उसके लिए आपको लगभग 13 या 14 हजार के करीब, 14 ही होगा शायद, इतने के करीब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और आपके यहाँ वेबकैम लगेगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इस इमेज में आप ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हो, ये यहीं पर ऐसे ही लगी हुई है। तो अगर कॉन्फ्रेंसिंग करनी है या ऐसे आपके इंटरेक्टिव वे हैं टीच करने के, बात करने के, तो आप ये ले सकते हो, लेकिन किसी भी और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में ये प्रोविज़न नहीं है। नेक्स्ट, OPS, यहाँ पर मैक्स हब आगे होता है क्योंकि मैक्स हब प्रोवाइड करता है इनबिल्ड OPS, ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये यहाँ पर इंसर्ट होता है, इसका साइज इतना होता है लगभग 10 इंच के करीब। इसकी इमेज यहाँ आप देख सकते हो, व्यू सोनिक स्लॉट लेता है जो स्पेस होती है, अगर वो आप लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, अगर उसके बिना एंड्रॉयड पर काम करना चाहते हो तो वो आप मत लीजिए। लेकिन मैक्स हब एचसी कोई ऑप्शन नहीं देता। अगर मैक्स हब का 75 का, याद रखना है 75 का, ये जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं वो लेते हैं, तो आपको OPS साथ में ही मिलेगा उस कंपनी का, ठीक। तो ये आपका डिसीजन है। OPS पर डिफरेंट वीडियो एक बना दूंगा, उसके प्राइस की भी डिफरेंट वीडियो आएगी क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज लंबी हो जाएगी। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि OPS की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि आगे जाके स्प्लिट आना है कि स्क्रीन को आप स्प्लिट करना चाहते हो, कितने हिस्सों में करना चाहते हो। तो वहाँ व्यू सोनिक का जो मैंने लगवाया OPS, मैंने अभी कल परसों ही लगवाया, तो वो स्प्लिट पर मतलब मज़ा आ गया। अच्छा, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट यही है, एक्टिव स्क्रीन। एक्टिव स्क्रीन मीन कि आप कितने डिवीज़न चाहते हो स्क्रीन पर काम करने के लिए। जैसे इसमें 4 डिवीज़न है, ठीक है, एक पर मान लीजिए आपने PPT। नेक्स्ट पॉइंट है आई केयर टेक्नोलॉजी में व्यू सोनिक के पास TUV का सर्टिफिकेट है। TUV की फुल फॉर्म ये है, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, इंग्लिश में इसे कहते हैं टेक्निकल इंस्पेक्शन एसोसिएशन। इसका काम क्या है कि आपकी पैनल की या प्रोडक्ट की सेफ्टी, डिफरेंट टाइप की सेफ्टी को मेजर करके उसका सर्टिफिकेट देना कि हाँ ये प्रोडक्ट इस काम के लिए सेफ है। तो दूसरा, ये आप वॉलंटरली ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। व्यू सोनिक ने ये सर्टिफिकेट लिया हुआ है, पहले मैं बात कर चुका हूँ कि मैक्स हब में जहाँ किसी और पैनल में हीट की प्रॉब्लम, नॉन पॉपुलर ब्रांड में हीट की प्रॉब्लम या कोई और सेफ्टी की, जहाँ जहाँ से मैंने सर्वे किया उन्होंने ऐसी बातें की हैं, इंडिकेशन दिए हैं। तो दूसरा है कि मैक्सहब के पास ये सर्टिफिकेट है भी नहीं, दैट इज़ वाई यहाँ मैक्सहब के वीक पॉइंट बन रहे हैं। सेकेंड, ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस की रेंज दी हुई है, ब्राइटनेस उसमें आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, दोनों के लगभग यहाँ इक्वल पॉइंट है। तीसरा है डिम वाइल टच, जब हम टच करते हैं, यहाँ टीचर आता है टच करता है, तो ये आईज हैं, ये स्क्रीन है, इसकी जो नज़दीकी है ये आईज के रेटिना या किसी आईज के पार्ट को डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है, स्ट्रेस दे सकती है। तो एक ऑप्शन है कि आप जब यहाँ नज़दीक आओ, डिम, ये लाइट डिम हो जाए, जब आप इस तरफ कैमरे की तरफ आओ फिर ब्राइटनेस बढ़ जाए। इसमें क्या है कि आपकी आईज की सेफ्टी बढ़ जाती है, लेकिन व्यू सोनिक में अभी मुझे वो ऑप्शन, अभी मैंने लिया ही है, वो ऑप्शन मिली नहीं है, अभी वो चलाई नहीं, तो आपको डेमो देके बताता। दूसरी तरफ मैक्स हब में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मुझे दी गई। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है डीलर से अच्छी बात है, लेकिन मुझे कोई बार बार पूछने पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ब्लू लाइट फिल्टर, ब्लू लाइट वो पार्ट है जो कि हमारी आंखों को ज़्यादा एक्सपोजर मिलने से डैमेज कर सकता है, ये ब्लू लाइट पार्ट है जो किसी भी स्क्रीनिंग से, आप मोबाइल, टेलीविज़न,
जहाँ ये देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पैनल को आपने नज़दीक से डील करना है, जैसे मोबाइल फोन को करते हो। दैट इज़ वाई कि ब्लू लाइट फिल्टर होना ज़रूरी है। दोनों कंपनी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी ये नहीं बताती कि कितने परसेंट हम हमारा जो है ब्लू लाइट को फिल्टर करता है। कोई भी ऐसा पैनल नहीं है जो 100% लाइट को फिल्टर करता है। इट मींस आपने अपनी आंखों को बचा के किसी और ढंग से, जैसे गोगल लगा के, चलो मैं डिफरेंट वीडियो इस पर जो मैंने स्टडी की है वो आपके सामने रखूंगा। हाँ, कोई भी इसको पूरा सेफ ब्लू लाइट से नहीं करता। इसकी रेंज 30 से यहाँ देख सकते हो 70% तक है, लेकिन इनमें से कोई ब्रांड ये इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता। हाँ, ब्लू लाइट फिल्टर दोनों में है। नेक्स्ट, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट ज्यादा हो तो आईज पर कम असर पड़ता है। कंट्रास्ट ज्यादा का मतलब है कि जैसे पिछली चीज देखिए, ये कंट्रास्ट क्लियर किसका दिख रहा है, इसमें या इसमें? जो कंट्रास्ट में जो बैकग्राउंड है वो आगे वाली इमेज से उसका कंट्रास्ट या विरोध होगा। जितना विरोध ज्यादा होगा, ऑपोजिट ज्यादा होगी, उतनी आंखों को रीडिंग या देखने में कंफर्ट फील होगा। तो कंपनी की बात करें हम, मैक्स हब 1200, लेकिन व्यू सोनिक 5000, लेकिन डीसीआर क्या है मुझे नहीं पता, पर इस डिजिट से मैं इन्फ्लुएंस हुआ था, दैट इज वाई यहां पर प्लस पॉइंट हो गया व्यू सोनिक का। व्यूइंग एंगल है कि आप किस किस दिशा से पैनल को देख सकते हो, क्योंकि टीचर ने इधर उधर घूमना होता है। ये टीचर सामने है, सामने के एंगल से देखना कंफर्टेबल है। जब आप इधर से देखते हो, यहां पर टीचर को ज्यादा रुकना पड़ता है, दूसरा इधर ज्यादा रुकना पड़ता है। यहां पर ये ऊपर आप इमेज से देख रहे हो, यहां पर टीचर को रीड करना कई बार पड़ता है, नहीं तो इधर आके करना पड़ता है। लेकिन ये पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसके बिल्कुल करीब से, यहां से, मतलब यहां से आप रीड कर सकते हो हॉरिजेंटली, और उधर से भी ऐसे, दूसरा नीचे से, यहां से, ठीक है? तो ये सभी पैनल में इक्वालिटी है, कोई भी पैनल आगे या पीछे नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो व्यूइंग एंगल है वो 178 हॉरिजेंटल और 178 वर्टिकल है, जो पीछे एग्जांपल में देके आया हूं, ठीक। नेक्स्ट है फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग क्या है? ये आप देख रहे हो, ये लैपटॉप पर मैंने बनाई थी। जो ये फ्लिकरिंग है, ज्यादा होगी तो एक तो वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, कोई भी व्यूअर ऑडियंस इसको देख नहीं अच्छी तरह पाएगी। अगर आपके यहाँ फ्लिकरिंग है तो नेचुरली आपको भी प्रॉब्लम आएगी। फ्लिकरिंग के मैक्स हब और व्यू सोनिक दोनों कहते हैं कि ये फ्लिकरिंग फ्री है। फ्लिकरिंग फ्री के लिए एक एडिशनल आपने कैमरे को भी सेट करना है। थोड़ी सी यहाँ गाइड कर देता हूँ आपको। उसके लिए आप कैमरे का क्या है, शटर स्पीड, और ये रही शटर स्पीड और ये फ्रेम रेट। शटर स्पीड टू बी अप्रॉक्सीमेटली डबल द नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड। शटर स्पीड की रेट जो है वो दुगना होना चाहिए फ्रेम रेट से, उससे आपकी फ्लिकरिंग कम हो जाएगी। लेकिन ये पैनल की टेक्नोलॉजी, यहाँ शायद पहले भी मैंने बताया है, यहाँ पर सेटिंग पर आप गए, सेटिंग पर जाके जनरल पर जाइए, ठीक है? यहाँ पर ये ऑप्शन है फ्लिकरिंग फ्री ब्लैक लाइट, तो ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है, फ्लिकरिंग फ्री यहाँ से हो सकती है। मैंने ये फ्लिकरिंग फ्री ऑन किया हुआ है। नेक्स्ट, फुल स्क्रीन, यस। तो ये बात पहले भी कर चुके हैं कि दो तीन जो मेन बातें हैं, मेरे आंखों के डॉक्टर ने भी मुझे ये बताया था कि फ्लिकरिंग जीरो होनी चाहिए, ओके, कंट्रास्ट मैक्सिमम चाहिए और ब्राइटनेस मिनिमम चाहिए, अगर आप अपनी आंखों को बचाना चाहते हो तो। नेक्स्ट है रिस्पांस टाइम, एलसीडी पैनल का रिस्पांस टाइम।
अच्छा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रही है, यहाँ दोनों इक्वल है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिस्पांस टाइम टच का है वो भी दोनों इक्वल है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। एनोटेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। जो मैक्स हब है ये पांच सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इनकी कंपनी के नहीं हैं। दूसरी तरफ व्यू सोनिक, जो अपने व्यू माई व्यू बोर्ड के नाम से आपको एनोटेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, वो उनके नाम का ही पेटेंट है। नंबर दो, हर मंथ जो अप डेट होता है उस सॉफ्टवेयर में एडवांसमेंट की जाती है, वो ऑटोमेटिकली आपके पैनल में जो सॉफ्टवेयर है जो लगा के गए हैं उसमें अपडेट, वो ऑटोमेटिकली हर मंथ हो जानी है। तीसरा, इनका गूगल और इंटेल से टाइप से ये सॉफ्टवेयर बने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस यहां पर ये येलो क्यों कर रखा है, क्योंकि इन पॉइंट में सारा व्यू सोनिक का पलड़ा भारी है। हाँ, जो आई सेफ स्टैंडर्ड एक है, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी से लेना होता है। मैक्स हब ने उनकी इंफॉर्मेशन दी है, इसकी इंफॉर्मेशन दी है 72%, जो स्टैंडर्ड माना जाता है 72%, लेकिन व्यू सोनिक ने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन नहीं है कि आप बाज़ार से ठीक करवा लाए। सर्विस कितने टाइम में ये प्रोवाइड करते हैं, ये 72 आवर, इनका कहना है, ये थ्योरी है, ये 24 आवर ये भी थ्योरी है, लेकिन ये फेवर फिर व्यू सोनिक का होता है। क्योंकि मैंने जो सर्वे में इंटरव्यू की उन लोगों की, जो प्रोजेक्टर इनके व्यू सोनिक के लगाते हैं और F1 मीडिया से उनकी सर्विस होती है स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उन्होंने व्यू सोनिक की सर्विस की बहुत ही तारीफ की। व्यू सोनिक, हाँ, दोनों थर्ड पार्टी हैं, यहाँ इक्वल हैं। मैक्स हब की वो पार्टी है TVS इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन कई जगह थोड़ी सी मिली है कि मैक्स हब सर्विस के मामले में थर्ड पार्टी के कारण थोड़ा पीछे है। नंबर ऑफ सर्विस सेंटर बताए जो गए हैं मुझे, वो मैक्सअप के ज़्यादा हैं, जो इतने पिन कोड कवर कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक शख्स ने, बड़े अच्छे हैं वो जिन्होंने मुझे बताया था। तो दूसरी तरफ व्यू सोनिक के कम है नंबर, मुझे बताया एग्जैक्ट नंबर क्या है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वारंटी कितनी है, दोनों इक्वल है, 3 ईयर ऑन साइट। ऑन साइट मीन यहाँ जहाँ पैनल लगा है वहाँ आके, ये F1 वाले अगर व्यू सोनिक का लगाया है आपके घर आएंगे वहाँ सर्विस करेंगे, अगर पार्ट रिप्लेस होना है यहाँ करेंगे, तो ऐसे ही TVS वाले ऑन साइट यहाँ आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रेनिंग दोनों ही मोस्टली ऑनलाइन करते हैं, जब इंस्टॉल करने आते हैं तब ऑफलाइन आपको टीच कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे प्रभाव पड़ता है, अच्छा ये चाइना का प्रोडक्ट है, हाँ, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट पर हमें विश्वास कम है। मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन, मैंने बड़ी एनालाइज की तब पता चला कि वो कहते बनते तो दोनों ही चाइना में हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ये अमेरिका की है, मेन बात ये है। यहाँ पॉजिटिव फिर हो गया व्यू सोनिक का, लेकिन मैक्स हब बनता भी चाइना में है, टेक्नोलॉजी भी चाइना की है। पावर कंजम्पशन कितनी है, फिर व्यू सोनिक आगे जा रहा है, क्यों आप कंपेयर कर सकते हो, 400 वाट, 138 वाट, मेरे पास ये 240 के 40 के लगे हैं और ये पैनल 138 टिपिकल। तो इलेक्ट्रिसिटी देखो कितना लंबा सा वहाँ आपने यूज़ करना है, वो भी सेव करनी है, इसलिए यहाँ पॉइंट व्यू सोनिक का आगे है। अच्छा, स्टैंड बाय में जब आप नहीं चलाते, दोनों इक्वल हैं, एवरेज में भी, पावर कंजप्शन में फिर आगे व्यू सोनिक जा रहा है, आप रीड कर सकते हो। अच्छा, लाइफ टाइम सीधा बताते हैं, लाइफ टाइम दो तरह के है, ये देख लेना ज़रूरी है। लाइफ टाइम टच जो है वो 30,000 आवर, और व्यू सोनिक के वो है 50,000 प्लस। ओके, ब्लैक लाइट लाइफ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक लाइट लाइफ की
ये इंफॉर्मेशन इतनी दे रहे हैं, इतनी लाइफ है मिनिमम, साथ में मिनिमम पर एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ठीक, नेक्स्ट है वेट, देख सकते हो जरूरी नहीं है। अच्छा, इंस्टॉलेशन, ये भी डीलर करता है, ये भी डीलर करता है, इक्वल है। एलजी का डीलर नहीं करता, एलजी का कंपनी करती है। नेक्स्ट, अगर आपने मूव करना है तो ये वाला स्टैंड ले सकते हो, 14,000 लगभग लगते हैं, 13-14-15 के करीब पड़ता है। अगर अदरवाइज, ये वैसे वो कहते हैं डीलर की कंपनी नहीं हमें देती, हम अपने आप से देते हैं, ये 3,000 से 4,000 के करीब होता है। ये आप ऑप्ट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार। सॉरी, नेक्स्ट है, हाँ, ओपीएस की बात हो चुकी है, इस पर सेपरेट वीडियो प्राइस पर भी आएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन पर भी आएगा। तो इनबिल्ड है, आपको लेना ही पड़ेगा साथ में। अगर आप 75 का लेते हो, 75 का व्यूसोनिक का लेते हो, आपको ऑप्शन मिलती है। अगर व्यू ओपीएस नहीं लेना चाहते तो नहीं मिलेगा, स्लॉट मिलता है। अगर साल, दो साल, तीन साल, जब भी आप चाहते हो आप पे करो और अपना स्लॉट में ओपीएस लगवा सकते हो। अगर आपने सस्ते वाला लगवाना है तो एचडीएमआई से लग जाता है, वो आपका डीलर आपको बता देगा।